was that? The entire family was operating this scam. Tragic story of a retired school teacher, a Sanskrit scholar, and a double PhD, forced out of his home by a drug addict and abusive son. एक भिखारी मुंबई का है जिसके नाम लाखों रुपए और लाखों की एफडी थी, तो लेबनान में एक महिला भिखारी के अकाउंट में इतने पैसे निकले कि लोगों की आंखें फटी की थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी गरीबी और भीख मांगना अभी भी भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। सपोज आप एक सिग्नल पर अपने ऑफिस या घर जाने के लिए खड़े हो, उतने में एक महिला हाथ में एक बच्चे को लिए आपके पास आती है और आपको उसे देखकर ऐसा लगता है यार इसकी मदद तो करनी ही चाहिए, और आप मदद करने के लिए अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर उसे दे देते हैं और मन ही मन खुद को महान समझने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में आप उसकी मदद नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और एक्सपोज करेंगे इंडियन बेगर्स स्कैम। भारत में करीब 5 लाख से भी ज्यादा बेगर्स हैं। क्या आपने कभी सोचा है इतने सारे लोग भी क्यों मांगते हैं? क्या इन्हें हेल्प करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई? सिंपली देखा जाए तो बेगर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ऐसा करने पर मजबूर है, यानी कि वो लाइफ के इस स्टेज पर है जहाँ पर वो चाह कर भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते, और दूसरे वो जो चाहे तो और तरीके अपना कर अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भीख मांग कर ही अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। आप अपने आसपास जिन भिखारियों को डे टू डे लाइफ में देखते हैं, क्या वो सिर्फ एक सामान्य भिखारी है? हमेशा देखा गया है कि भीख मांगने वाले किसी न किसी एक बड़े रैकेट का हिस्सा होते हैं। इनके लीडर्स अपने एरिया को ठीक उसी तरह डिवाइड करके रखते हैं जैसे कंपनीज के एरिया मैनेजर्स हों। इनके एरिया में हर भिखारी पूरे दिन की भीख अपने ग्रुप लीडर को सौंप देता है, जो इनकी भीख का बड़ा हिस्सा अपने पास रख कर इन्हें अपने एरिया में भीख मांगने की परमिशन देते हैं। ये भी देखा गया है कि इन रैकेट्स के लीडर्स इंसानों को हैंडीकैप कर उनसे भीख मंगवाते हैं से वो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। इनका टारगेट होते हैं छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, हैंडीकैप पर्सन, हर वो चीज जिसे देख इंसान भावुक हो उठे और आप में उस सामने वाले पर्सन के लिए सिंपैथी आए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 40,000 बच्चों को किडनैप किया जाता है। उनमें से 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता। अपने आप में ये नंबर दिल दहलाने वाले हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में 3 लाख बच्चों को हर दिन नशीले ड्रग्स दिए जाते हैं, पीटा जाता है और उनसे भीख मंगवाई जाती है। दोस्तों, ये एक $1 मिलियन का बिजनेस मॉडल है जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लीडर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट बेगर जो कि इंडिया से है, जिनका नाम है भरत जैन, इनकी टोटल नेटवर्थ 7.5 करोड़ है, यानी कि $1 मिलियन से भी ज्यादा। इंडियन गवर्नमेंट ने गरीबी और भीख मांगने वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करी, लेकिन भिखारी भीख मांगने के इतने आदि हो चुके हैं कि वो रियलिटी में काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि इन भिखारियों का कहना है कि वो इससे ज्यादा पैसे भीख मांगकर कमा सकते हैं। भीख मांगने के लिए इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि कहां लोग फ्री होते हैं और उन्हें पैसे दे सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, ज्यादातर भिखारी आपको रिलीजियस प्लेस, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट प्लेसेस या सिग्नल्स पर दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, आप भी अपने लाइफ में कभी न कभी फेस किए होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, मुंबई में खास तौर पर आपके पास जब कोई महिला बच्चे के साथ आती है जो बच्चे को पिलाने के लिए पाउडर मिल्क मांगना चाहती है और आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो वो आपको पास के किसी स्टॉल या दुकान पर लेकर जाएगी जहाँ मिल्क या पाउडर मिल्क अवेलेबल हो। हालांकि मिल्क पैकेट महंगा होगा और आप उस बच्चे के लिए पैसे दे देते हैं, तो आपके जाने के बाद वो शॉपकीपर और भिखारी आसानी से पैसे आपस में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ से उनकी कमाई होती है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली थी, जब वो महिला उस बच्चे के साथ आई तब क्या आपने कुछ अजीब महसूस नहीं किया? अमूमन बच्चे काफी शरारती और एक्टिव होते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जिन बच्चों को ये भिखारी लेकर आते हैं वो काफी इनएक्टिव होते हैं। वो या तो लटके रहेंगे या फिर बेहोशी की हालत में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको हाई डोज ऑफ ड्रग्स दी गई होती है। ये भी देखा गया है कि भिखारी भीख मांगने के लिए हर दिन बच्चों को भाड़े पर लेते हैं। वे इन बच्चों को अपने साथ ले जाकर पब्लिकली ऐसे शो करते हैं कि उनके पास इस बच्चे को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, जिससे इन्हें भीख मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है।
भारत में भिखारी हर तरह के होते हैं और आपसे पैसे निकलवाने के लिए वो आपका दिल जीतने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कई भिखारी अक्सर बहुत जिद्दी भी होते हैं और ना करने पर भी नहीं मानते। जैसे अगर उन्हें कोई टूरिस्ट या कपल दिख जाए तो उन्हें कितना भी मना किया जाए वो नहीं मानते और लोग उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पैसे दे देते हैं। लेकिन क्या ये सही सॉल्यूशन है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई लोगों का कहना है कि कोई भी पर्सन भिखारियों को एक रुपए भी ना दे। सुनने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जब भिखारियों को भीख मांगकर आसानी से पैसे मिल जाते हैं तो वो काम करने की कोशिश नहीं करते या करना भी नहीं चाहते। इसलिए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन बेगर्स की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। सुनने में काफी हार्ड साउंड कर सकता है, लेकिन सबसे बेटर सॉल्यूशन यही है, उन्हें देखकर इग्नोर किया जाए। अगर आप उन पर तरस खाकर उन्हें पैसे देते हैं तो याद रखना, आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो मेहनत ना करके मुफ्त में भीख मांगकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो नीडी हैं, मजबूर हैं, तो उन्हें आप खाना खिला दीजिए या कपड़े दे दीजिए। कोशिश करें उन लोगों को दें जो बुजुर्ग हैं या पूरी तरीके से हैंडीकैप्ड है। खास तौर पर उन फीमेल्स को देने से बचें जिनके साथ बच्चे हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्चे उनके नहीं होते या फिर उन्हें ड्रग्स दी गई होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।